तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। देश के सभी युवाओं के लिए ये मौका है, बेहतरीन मौका है। जी हाँ फ्रेंड्स, पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे जा रहे हैं। 465 प्लस पोस्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज फी सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं आपको आगे चल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन 19/6/2021 से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 2/7/2021 11:59 पर ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी 6/7/2021, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम फी है वो जमा करने की लास्ट डेट यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्वेंशन ऑफ अप्लीकेशंस 400 प्लस पोस्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और प्रोड्यूसर और इंटेक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसकी गाइडलाइंस दी गई है। तो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या लगने हैं वो भी दिया गया है, ठीक है। और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, जो हमारी वेबसाइट है akeonlinepoint.com, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये लेटेस्ट जॉब में पोस्ट दिखाई देगी और वहाँ से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप आवेदन कर सकते हैं। बट आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 400 प्लस पोस्ट सब इंस्पेक्टर मेल। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जनरल की 144, एससी के 72, बीसीए के 57, बीसीबी के 32, यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इट्स इक्विवेलेंट, यानी आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हैं इंडिया के किसी भी कोने से, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक विथ हिंदी आर संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आर हायर, तो यहाँ पर एक आपसे शर्त रखी गई है कि 10वीं में या तो आप हिंदी के साथ या फिर संस्कृत के साथ 10वीं पास होना ज़रूरी है, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइट और चेस्ट के बारे में दिया गया है, जैसे कि 170 सेंटीमीटर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है और 83 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना रखा गया है। फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, 168 यहाँ पर फीमेल का रखा गया है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, तो आपको जनरल में रखा जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। रिजर्व कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट से हैं तो जनरल में ही आपको रखा जाएगा, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं 65 पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर फीमेल का यहाँ पर रखा गया है और उनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम यहाँ पर बताई जा रही है। उनकी 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की हाइट रखी गई है, 156 रखी गई है SC ST की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम फी की बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट की 150 रुपये रखी गई है और जो कि जनरल होंगे, और फीमेल कैंडिडेट की 75 रुपये रखी गई है, और मेल जो SC OBC EWC कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के होंगे उनकी 35 रुपये है, फीमेल की 18 है, ठीक है। तो हम आपको बता दें रिक्वायरमेंट हरियाणा स्टेट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जा रही है, जो एप्लीकेशन भी हरियाणा रहेगा। और आप अदर स्टेट से आवेदन करेंगे तो आपसे 150 रुपये चार्ज यहाँ पर लिए जाएंगे और फीमेल का 75 रुपये लिया जाएगा अदर स्टेट वालों का, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, एडवाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों से यहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी 0.80 मार्क्स ईच एंड टेस्ट सेल भी ऑफ 90, यानी कि 90 मिनट का ड्यूरेशन आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप लोगों का यहां पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। एंड द टेस्ट पेपर सेल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिलेबस शामिल किए गए हैं। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल स्कैनिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा और कितनी क्या रनिंग है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से जाके आप आसानी से
फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।